हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लास पर। आज हम लोग बायोलॉजी बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान के बारे में जानेंगे बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान के बारे में जानेंगे और उसके अंतर्गत क्लास टेंथ के जो टॉपिक है उसके बारे में जानेंगे। चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। बायोलॉजी जीव विज्ञान, जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान, जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान, जीव विज्ञान बोलेगा तो जीव का मतलब समझेंगे सजीव। जीव का मतलब क्या? सजीव मतलब जो सांस लेते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, उसको बोलते हैं सजीव। सजीव बोलेगा तो पेड़ पौधे और जीव जंतु, पेड़ पौधे और जीव जंतु। सजीव का मतलब जीव और विज्ञान, जीव और क्या? विज्ञान। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटेंगे तो करेंगे जीव और विज्ञान, जीव और विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव का अध्ययन किया जाता है। जीव बोलेगा तो सजीव, सजीव, सजीव। और सजीव का मतलब कौन कौन? जीव जंतु और पेड़ पौधे, जीव जंतु और पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। मैंने जीव जंतु और पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु और पेड़ पौधे, जीव जंतु और पेड़ पौधे के बारे में क्या किया जाएगा? अध्ययन करेंगे, मैंने उसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। तो वही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान, बायोलॉजी। क्या कहलाता है? बायोलॉजी। को पूछेगा जीव विज्ञान क्या है तो बोलेंगे विज्ञान की क्या है? शाखा है। विज्ञान की क्या है? शाखा है जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, मैंने जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सजीवों के बारे में पढ़ेंगे, वही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान के जनक कौन है, जन्मदाता कौन है? तो अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक पूछेगा तो कौन बोलेंगे? अरस्तु। कौन थे? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु। कौन थे जनक? कौन थे? अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक कौन थे? अरस्तु। क्या थे? अरस्तु। अरस्तु कौन थे? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु थे। अब अरस्तु जो थे यूनान के थे। अरस्तु कहाँ के थे? यूनान के। कहेगा अरस्तु कहाँ के था? यूनान कहाँ के थे? यूनान के। अरस्तु कहाँ के थे? यूनान के। कहाँ के? यूनान के दार्शनिक थे, यूनान के एक दार्शनिक थे। कहेगा अरस्तु के गुरु कौन थे? अरस्तु के गुरु कौन थे? तो प्लेटो। कौन थे? प्लेटो। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। कहेगा अरस्तु के गुरु कौन थे? तो बोलेंगे प्लेटो। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। और कहेगा अरस्तु के शिष्य कौन था? तो बोलेंगे सिकंदर। अरस्तु का शिष्य कौन था? सिकंदर। अरस्तु का शिष्य कौन था? सिकंदर। कौन था? सिकंदर। फिर समझिए, कहेगा जीव विज्ञान क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन करेंगे, जीव जंतु का अध्ययन करेंगे, पेड़ पौधे का अध्ययन करेंगे, तो वही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान। विज्ञान के जनक या जन्मदाता कौन है? अरस्तु। किन्हें कहते हैं? अरस्तु को। जन्मदाता किन्हें कहते हैं? अरस्तु को। अरस्तु का शिष्य कहेगा तो कौन था? अरस्तु का गुरु कौन थे? प्लेटो। अरस्तु का गुरु कौन थे? प्लेटो। अरस्तु का गुरु कौन थे? प्लेटो। कह देगा अरस्तु का शिष्य कौन था? तो बोलेंगे सिकंदर। अरस्तु का शिष्य कौन था? सिकंदर। अरस्तु कहाँ का दार्शनिक था? यूनान का। कहाँ का था? यूनान का। कहाँ का था? यूनान का। कहाँ का? यूनान का। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानेंगे सजीव के बारे में। किसके बारे में? सजीव के बारे में। कि सजीव क्या है? सजीव क्या है? सजीव और निर्जीव। सजीव और किसके बारे में जानेंगे? निर्जीव के बारे में। सजीव और किसके बारे में? निर्जीव के बारे में। सजीव और किसके बारे में? निर्जीव के बारे में। पहले जानिए सजीव, सजीव, सजीव। तो सजीव का मतलब जो जीव जंतु या पेड़ पौधे सांस लेंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे, उसे बोलते हैं सजीव। क्या बोलते हैं? सजीव। जो भोजन को ग्रहण करेगा, खाएगा, भोजन को क्या करेगा? खाएगा, सांस लेगा, एक स्थान से कहाँ चला जाएगा? दूसरे स्थान तक। और उसके अंदर जो भी खराब पदार्थ रहेगा उसको बाहर निकालेगा, वो सभी जीव जंतु क्या होते हैं? सजीव। क्या होते हैं? सजीव। क्या होते हैं? सजीव। को पूछेगा सजीव क्या है? सजीव वस्तु क्या है? तो वैसी वस्तु जो भोजन को ग्रहण करे, सांस ले, भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए, उसे क्या बोलेंगे? सजीव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सजीव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सजीव बोलेंगे। और जो सांस नहीं ले, जो सांस नहीं ले, जो भोजन को ग्रहण नहीं करे, जो भोजन को ग्रहण नहीं करे,
और अपने अंदर जो व्यर्थ पदार्थ है उसे बाहर नहीं निकाले, उसे क्या बोलते हैं? निर्जीव। क्या बोल देंगे? निर्जीव। क्या बोल देंगे? निर्जीव। जो सांस नहीं लेगा, जो भोजन को नहीं खाएगा, जो भोज पदार्थ को एक स्थान दूसरे स्थान नहीं ले जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? निर्जीव। क्या बोलेंगे? निर्जीव वस्तु। क्या बोलेंगे? निर्जीव वस्तु। को पूछेगा सजीव क्या है? जो सांस लेगा, भोजन को खाएगा, उसे क्या बोलेंगे? निर्जीव बोलेंगे, सॉरी सजीव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सजीव बोलेंगे। जो सांस नहीं लेगा, भोजन को नहीं खाएगा, उसे क्या बोलेंगे? निर्जीव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निर्जीव बोलेंगे। सजीव कहेगा तो पेड़ पौधे हो जाएंगे, सजीव कहेगा तो क्या हो जाएंगे? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे और जीव जंतु, पेड़ पौधे और जीव जंतु, मनुष्य, गाय, भैंस, ये सभी क्या होते हैं? सजीव होते हैं। लेकिन कहेगा निर्जीव, तो निर्जीव कहेगा तो पत्थर, ईंट, ये सभी क्या होते हैं? लकड़ी, ये सब क्या होते हैं? निर्जीव होता है। क्या होता है? निर्जीव होता है। क्या होता है? निर्जीव होता है। क्या होता है? निर्जीव होता है। पूछेगा निर्जीव और सजीव में अंतर, तो बोल देंगे सजीव भोजन को खाता है, लेकिन निर्जीव भोजन को खाता नहीं है, मानी भोजन को ग्रहण नहीं करता है। दूसरा बोलेंगे सजीव सांस लेता है, लेकिन निर्जीव सांस नहीं लेता है। तीसरा बोलेंगे सजीव खाद्य पदार्थों को एक स्थान से कहाँ लेता है? दूसरे स्थान तक, लेकिन निर्जीव ऐसा काम नहीं करता है। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सजीवों का पूछेगा गुण, सजीवों का लक्षण पूछेगा। सजीवों क्या पूछेगा? लक्षण। तो सजीवों का मुख्य रूप से चार लक्षण है। सजीवों का मुख्य रूप से कितने लक्षण है? चार। सजीवों का मुख्य रूप से कितने लक्षण है? चार। पहला, सजीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। पोषक तत्वों क्या करता है? ग्रहण करता है। जो भी पोषक तत्व रहता है उसे वो क्या कर लेता है? ग्रहण, मानी अपने अंदर क्या ले लेता है? अपने अंदर क्या करता है? उसको ले लेता है। सजीव क्या करता है? पोषण करता है। पोषण का मतलब भोज्य पदार्थों को खाता है। भोज्य पदार्थों क्या करता है? खाता है, मानी भोजन क्या करता है? वह खाता है। तो पहला गुण इसका क्या है? पहला इसका लक्षण क्या है कि पोषण करता है। क्या करता है? पोषण करता है। सजीव क्या करता है? पोषण करता है। पोषण का मतलब भोजन को ग्रहण करता है। भोजन क्या करता है? ग्रहण करता है। चलिए पहला दिक्कत है, आगे दूसरा। सजीव क्या करता है? श्वसन करता है। श्वसन का मतलब सांस लेता है। श्वसन का मतलब क्या है? सांस लेता है। को पूछेगा पहला सजीव का पहला गुण क्या है, पहला अंतर क्या है, पहला लक्षण क्या है, तो बोलेंगे पोषण करता है। सजीव क्या करते हैं? पोषण, पोषण करते हैं। मतलब पोषण का मतलब भोजन को ग्रहण करना और उसका उपयोग करना। दूसरा बोलेंगे ये श्वसन करता है। क्या करता है? श्वसन करता है। सजीव क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। श्वसन का मतलब क्या करना? सांस लेना और सांस छोड़ना। श्वसन का मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना। श्वसन क्रिया के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। ऊर्जा जो हमारी शक्ति हमें प्रदान होता है किसी कार्य को करने के लिए, जो हमें शक्ति चाहिए वो किससे होता है? श्वसन क्रिया के दौरान। चलिए तीसरा में आते हैं, यह खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। मानी सजीवों का तीसरा लक्षण है कि खाद्य पदार्थ जो भी हमारे शरीर के अंदर है उसको क्या करता है? परिवहन। परिवहन का मतलब एक स्थान से कहां ले जाना? दूसरे स्थान तक। एक स्थान से कहां ले जाना? दूसरे स्थान तक। तीसरा इसका लक्षण है, यह खाद्य पदार्थों को एक स्थान से कहां ले जाता है? दूसरे स्थान तक। मतलब खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। क्या करता है? परिवहन करता है। चौथा इसका लक्षण है कि खाद्य पदार्थों का उत्सर्जन करता है। जो भी हमारे अंदर व्यर्थ पदार्थ हैं उसे वह क्या करता है? निकालता है। इसका मुख्य लक्षण क्या है? निकालता है। जैसे हम लोग पसीना है, पसीना जो है व्यर्थ पदार्थ है, यह त्वचा के माध्यम से क्या होता है? बाहर निकलता है। त्वचा के माध्यम से क्या होता है? बाहर निकलता है। तो कहेगा सजीवों का मुख्य रूप से कितने लक्षण? चार लक्षण। एग्जाम में पूछता बार बार कि सजीवों के लक्षण लिखे, सजीवों के चार लक्षण लिखे। तो पहला क्या बोलेंगे? यह सजीव जो है पोषण करता है। सजीव क्या करता है? पोषण करता है। दूसरा लिखेंगे सजीव श्वसन करता है। सजीव क्या करता है? श्वसन करता है। तीसरा बोलेंगे सजीव परिवहन करता है, खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। और चौथा बोलेंगे यह उत्सर्जन करता है, खाद्य पदार्थों का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। खाद्य पदार्थों क्या करता है? उत्सर्जन करता है। मतलब जो भी अंदर, मतलब जो भी हमारे अंदर खराब पदार्थ है उसे क्या करता है? बाहर निकालता है। बाहर निकालता है। बाहर क्या करता है? निकालता है। तो पूछेगा सजीवों के मुख्य रूप से कितने लक्षण? चार। मुख्य रूप से कितने? चार। पहला क्या बोलेगा? सजीव जो है पोषण करता है, मतलब भोजन को ग्रहण करता है। दूसरा बोलेंगे सजीव सांस लेता है। तीसरा बोलेंगे सजीव खाद्य पदार्थों को एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाता है, मतलब परिवहन करता है। चौथा बोलेंगे सजीव जो भी उसके अंदर खराब पदार्थ है उसे क्या करता है? बाहर निकालता है। उसे क्या करता है? बाहर निकालता है। इतना तक कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आगे की ओर। जानेंगे सेल कोशिका। क्या जानेंगे? कोशिका। क्या जानेंगे? कोशिका, जिसको बोलते हैं सेल। इंग्लिश क्या बोलते हैं? सेल कोशिका। हिंदी में बोलते हैं कोशिका, हिंदी में बोलते हैं सेल, CEL। क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं? सेल। कि सेल क्या है, कोशिका क्या है, कोशिका क्या है? तो बोलेगा सजीव की सबसे छोटी इकाई। मतलब जैसे हम क्या है? सजीव हैं। हम क्या है? सजीव हैं। तो हमारे जो सबसे छोटा इकाई है, हमारे जो सबसे छोटा इकाई है, उसी इकाई को क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। तो सजीवों की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई,
मतलब मेरा निर्माण जो हुआ था, सबसे जो छोटा अंग है, सबसे छोटा जो इकाई है, अंग नहीं बल्कि सबसे छोटा जो इकाई है, उसी इकाई को क्या बोलते हैं? कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका। तो सजीवों की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका। इसका खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। 1665 ईस्वी में। कब किया था? 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में। हुक का है, हुक का मतलब समझना है कि कुछ चीज, छोटे चीज को क्या करते हैं, किससे निकालते हैं? चिमटा से। मैंने हुक से निकाल लेते हैं, क्या करते हैं? उससे हुक से निकाल लेते हैं। तो हुक माने समझ जाएंगे, हुक से निकालना माने कोई वस्तु क्या हो, छोटा रहेगा उसको क्या निकालेंगे? हुक से निकालेंगे। इसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। और यह जीवित जीवित सॉरी मृत कोशिका का, मृत जो भी कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन कहेगा जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? ल्यूबेन होएक। ल्यूबेन होएक ने। ल्यूबेन होएक ने। किसने किया था? ल्यूबेन होएक ने। जीवित कोशिका कहेगा तो ल्यूबेन होएक, और मृत कोशिका कहेगा तो रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। चलिए और समझते हैं कोशिका के बारे में। कहेगा कोशिका क्या है? तो बोलेंगे सजीवों की रचनात्मक, सजीवों के शरीर की रचनात्मक। जैसे मेरा शरीर है, मेरा रचना हुआ है, तो उस रचनात्मक और जो कार्य करता है उसके क्रियात्मक इकाई को ही क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। मानी सजीवों के शरीर की, मतलब जैसे मेरा शरीर है, मेरा रचना जिससे हुआ है, और जो मेरे अंदर कार्य करता, जो भी अंग कार्य करता, उनकी जो इकाई है उसी को क्या बोलते हैं? कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका। तो कोशिका क्या है? तो बोलेंगे सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक, मानी जिससे उसका रचना हुआ है और जो उसके कार्य करता है, उसी इकाई को क्या बोलते हैं? कोशिका। उसी इकाई को क्या बोलिएगा? कोशिका। क्या बोल देंगे? कोशिका। क्या बोलेंगे? कोशिका। तो सजीवों के शरीर की, सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक, रचनात्मक और क्या, क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? कोशिका। इकाई को क्या बोलते हैं? कोशिका। मानी जो भी शरीर रहेगा उसका देखिएगा, जिससे रचना हुआ है और जो उसका कार्य करता है, उसके इकाई को ही क्या बोल दीजिएगा? कोशिका। उसके इकाई को ही क्या बोल दीजिएगा? कोशिका। कोशिका कहेगा तो मृत कोशिका का खोज, मृत कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। लेकिन कहेगा जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो बोलेंगे ल्यूबेन होएक ने। ल्यूबेन होएक ने। किसने किया था? ल्यूबेन होएक ने। ल्यूबेन होएक ने। किसने किया था? ल्यूबेन होएक ने। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आगे की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहेगा अनेक कोशिका जब आपस में मिल जाती है, अनेक कोशिका जब आपस में क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। कोशिका रहेगी, जब अनेक कोशिका आपस में क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। अनेक कोशिका आपस में क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे, मतलब जुड़ जाएंगे, तो उसको बोलेंगे उत्तक। क्या बोल दीजिएगा? उत्तक। अनेक कोशिकाओं के समूह को क्या बोलेंगे? उत्तक। अनेक कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता? उत्तक। क्या बनता? उत्तक। और जब अनेक उत्तक मिलेगा तो बनेगा अंग। क्या बन जाएगा? अंग। क्या बनेगा? अंग। अनेक उत्तक मिलेगा तो क्या बनेगा? अंग। जब अनेक अंग मिलेगा तो बनेगा अंग तंत्र। क्या बनेगा? अंग तंत्र। क्या बन जाएगा? अंग तंत्र। जब अनेक अंग तंत्र बनेगा तो एक किसका निर्माण होगा? जीव का। एक किसका बन जाएगा? जीव बनेगा। क्या बनेगा? एक जीव बनेगा। क्या बनेगा? एक जीव बनेगा। मैंने कोशिका के मिलने से, अनेक कोशिका के मिलने से क्या बनेगा? उत्तक। क्या बन जाएगा? उत्तक। जब उत्तक मिलेंगे तो क्या बनेगा? अंग। उत्तक मिलेंगे तो क्या बनेगा? अंग। अंग मिलेंगे तो क्या बनेगा? अंग तंत्र। क्या बनेगा? अंग तंत्र। जब अंग तंत्र मिल जाता है तब क्या बनता है? एक जीव बनता है। क्या बनता है? एक जीव बनता है। क्या बनता है? एक जीव बनता है। कोई पूछेगा एक जीव का निर्माण कैसे होता है? तो बोलेंगे अनेक कोशिका जब मिलेगी तो बनेगा उत्तक। क्या बनेगा? उत्तक। जब अनेक उत्तक मिल जाएंगे तो बनेगा अंग। क्या बनेगा? अंग। जब अनेक अंग मिलेगा तो बनेगा अंग तंत्र। जब अनेक अंग तंत्र मिलेगा तब बनेगा एक जीव। क्या बनेगा? एक जीव। जैसे एक घर को उठाना, क्या है, एक मकान को, मैंने बंगला को उठाना है, घर को उठाना है, तो सबसे पहले ईट क्या रहेगा? ईट रहेगा। क्या रहेगा? ईट रहेगा। ईट को बढ़िया से सजा दीजिएगा, ईट रहेगा। मान के चलिए ईट है, क्या है? ईट है। क्या है? ईट है, मतलब ईटा है। क्या है? ईटा है। अनेक ईटा को जब जोड़ देंगे, अनेक ईटा को क्या करेंगे? चलिए समझते हैं आगे। जैसे कहेगा एक ईट है, क्या है? एक ईटा है। क्या है? एक ईटा है। जब एक ईटा है, जब इसी में अनेक ईटा को जोड़ देंगे, आपस में अनेक ईटा को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तब क्या बन जाएगा? दीवार। क्या बन जाएगा? दीवार, मतलब दीवार बन जाएगा। जब अनेक ईटा आपस में जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? दीवार। क्या बन जाएगा? दीवार। जब दीवार भी से क्या बनेगा? कमरा। दीवार से क्या बन जाएगा? कमरा। क्या बन जाएगा? कमरा। कमरा से फिर क्या बन जाएगा? घर। क्या बन जाएगा? घर। घर से फिर क्या बन जाएगा? बंगला। क्या बन जाएगा? बंगला। मने
इसको क्या बोलेंगे, इका कोशिका क्या बोलेगा, ईट को क्या बोलेगा, कोशिका। ईट को क्या बोलेंगे, कोशिका, क्योंकि अनेक ईट मिल रहा है तो क्या बन रहा है, दीवार। अनेक ईट बन रहा है क्या बन रहा है, दीवार। माने किसका समूह है, ईटों का समूह है। तो इसे यहाँ पर कोशिका माने इसकी क्या है, कोशिका है, क्या है, कोशिका है। तो कोशिकाओं के समूह से क्या बनता है, ऊतक। क्या बनता है, ऊतक। और ऊतकों के समूह से क्या बनता है, अंग। अंग बनता है, क्या बनता है, अंग। और अंग से क्या बनता है, अंग तंत्र। अंग तंत्र से क्या बनता है, जीव। क्या बनता है, एक जीव का निर्माण होता है। लेकिन और समझिएगा, ये क्या है, इस किसके जगह पर है, ऊतक के जगह पर। लेकिन इसकी रचना देखिए तो क्या है, अलग अलग की एक जैसा। ईट जो होता है एक जैसा रहता है कि अलग अलग। तो जितने भी देखते हैं दीवार लगता है सबका लगता है साइज क्या रहता है, एक जैसा रहता है, सेम ही रहता है। क्या रहता है, साइज एक जैसा रहता है। तो कोई पूछेगा ऊतक क्या है, तो एक जैसी रचना रहना चाहिए। रचना क्या रहना चाहिए, एक जैसा रहना चाहिए, एक जैसा रचना रहना चाहिए, और एक जैसा कार्य भी करना चाहिए। एक जैसी रचना रहना चाहिए और एक जैसा कार्य भी करना चाहिए। तो उसी के समूह को क्या बोलेंगे, ऊतक। क्या बोलेंगे, ऊतक। ऊतक बोलते हैं टीसू। क्या बोलते हैं, टीसू। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टीसू। क्या टीसू क्या है, तो बोलेंगे कोशिकाओं का वैसा समूह, कोशिकाओं का वैसा समूह जो एक जैसी रचना और एक जैसा कार्य करे। कोशिकाओं का समूह रहना चाहिए लेकिन एक जैसा रचना रहना चाहिए और एक जैसा कार्य करना चाहिए। तो उसे क्या बोलेंगे, ऊतक। क्या बोल देंगे, ऊतक। को पूछेगा ऊतक क्या है, तो बोलेंगे एक जैसी रचना और एक जैसे कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं, ऊतक। क्या बोलेगा, ऊतक। क्योंकि ईट, ईट क्या है, कोशिका है। ईट क्या है, कोशिका है। जब अनेक ईट मिल रहा है क्या बन रहा है, दीवार। इसमें देखिए साइज क्या, मैंने ईट का साइज क्या है, सब सेम है। एक जैसी रचना है और एक जैसा कार्य भी करेगा। एक जैसी रचना और एक जैसे कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ही क्या बोलते हैं, ऊतक। क्या बोलते हैं, ऊतक। क्या बोलेगा, ऊतक। क्या बोलेगा, ऊतक। चलिए यहाँ तक में दिक्कत किन्हीं को नहीं हुआ होगा। चलिए आगे जानते हैं जैव प्रक्रम। क्या जानेंगे, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है, जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम।